नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बिग सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, जो प्लान प्रिंट होती है, जो प्लान जेरोक्स होती है, उसमें भी कैनन के प्रिंट के बारे में बताओ। ऐसा यहाँ पे आप कमेंट देख रहे हैं, ऐसा कमेंट आ रहा था आपके पास से। कलर प्रिंट, कलर स्कैन और ये कलर फोटो वाला एक बेहतरीन सा सेटअप है। ये कैनन की तरफ से आने वाला 5300 5200, ये दोनों मॉडल सेम ही है। ये जो 5200 24 इंच का आता है और 5300 वो 36 इंच का आता है। ये 5300 कैनन के बारे में आपको आज इस वीडियो में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये फोटो कितनी प्रिंट में हमें मिल रही है, इसमें मुनाफा क्या है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये 5300 और कलर प्लान प्रिंट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसे भी कोई भी वीडियो में सजेस्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ फॉलो करके आप अपना कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं, वहाँ मैं आपका क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे देता हूँ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रिंटिंग से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को कैनन 5300 5200 के बारे में। दोस्तों, कैनन TM5300 के बारे में बात करें तो ये एक ऑल इन वन वाला जो कलर प्रिंट, कलर प्लान, यहाँ तक आपका फोटो का वर्क है, इसके लिए यह बेहतरीन मशीन है। इसमें आप कलर प्रिंट भी कर सकते हो, कितनी बड़ी कोई भी कलर प्रिंट है, कलर प्लान है। ये जो 5200 आता है वो 24 इंच का आता है, वो 2 फुट का आता है, और 5300 है वो 36 इंच का आता है। इसमें आप 3 फुट का काम कर सकते हो। इसकी जो वाइड फॉर्मेट वाली बात यहाँ पे की है, आप जितनी भी इसमें जो लंबाई निकालना चाहो, जो हाइट वाली बात है, वो जितनी भी आप हाइट इसमें निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। दोस्तों, ये 24 इंच में आपको जितना भी चाहिए वो 5200 दे देता है, और 5300 है वो 36 इंच में आपको जितना भी चाहिए वो दे देता है। और दोस्तों, इसके बारे में आगे की बात करें तो इसमें आप फोटो प्रिंट, आप इसमें कोई भी फैब्रिक डाल सकते हो, कोई भी एडेसिव निकाल सकते हो, आप फोटो प्रिंट निकाल सकते हो, आपका प्लान का वर्क है, आपका मैप का वर्क है तो भी इसमें कर सकते हो। और दोस्तों, ये विदाउट स्कैनर भी आपको मिल जाता है और विथ स्कैनर भी मिल जाता है। ये बेहतरीन सा इसका फीचर्स है। आपको विथ स्कैनर चाहिए तो इसके ऊपर स्कैनर भी फिट हो जाता है। और दोस्तों, आप बाद में भी इसमें स्कैनर प्लस कर सकते हो। इसकी दोनों प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं करेक्शन कर सकता हूँ। इसकी प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, और करंट प्राइस के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और दोस्तों, इसके बारे में आपको बताइए तो इसमें आपको जो स्कैनर लग जाता है उसमें आपको USB का सपोर्ट मिल जाता है। डायरेक्ट आप ये मशीन में USB से प्रिंट भी निकाल सकते हो, USB से कोई भी फोटो प्रिंट कर सकते हो, USB के साथ इसमें स्कैन करके भी दे देता है। और दोस्तों, ये लेन से भी कनेक्ट हो जाता है। हमारा कॉरपोरेट का बड़ा वाला वर्क है तो उसमें ये लेन वाला जो ऑप्शन है वो बेहतरीन सा है। कई सारा कंप्यूटर ये एक मशीन के साथ जुड़ जाता है, और कई सारे कंप्यूटर ये मशीन में प्रिंट कर सकते हैं। ये लेन के साथ हमारे कंप्यूटर में भी कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, इसकी प्रिंट बेहतरीन से है। इसकी प्रिंट क्वालिटी के बारे में बात करें तो जैसे ही हमें फोटो की लैब प्रिंट मिलती है, इसमें लैब प्रिंट जैसी प्रिंट आ जाती है। अब दोस्तों, इसके कलर ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 कलर यूज होते हैं। इसमें हमने CMYK तो सुना होगा, लेकिन इसमें जो कैनन का एक बेहतरीन सा फीचर्स है वो MBK, तो अब हो गई 5 इंक, BK, MBK, CMY। दोस्तों, ये 5 तरह के डिफरेंट कलर से ये मशीन चल जाता है। ये कलर इंक के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ये इंक टैंक ही आती है कंपनी की तरफ से। दोस्तों, आपको इंक टैंक में ही सीधी इंक ही डालनी होती है, जो टैंक ही बोलते हैं उसको इंक, वो इंक टैंक वो 90ml में भी मिल जाती है, आपको 130ml में भी मिल जाती है। आपका ज़्यादातर वर्क रहता है तो 130ml भी डाल सकते हैं,
और कम वर्क रहता है तो 90ml भी डाल सकते हैं दोस्तों। अब एक बेहतरीन सा फीचर्स मैं आपको इसमें बता दूं, आप इसकी प्रिंट कॉस्ट खुद निकाल सकते हो। वो कैसे? हमारा कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट वाला मशीन होता है उसमें तो ज्यादातर कॉपी कॉस्ट हम बता देते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, कोई बार प्लान होता है तो उसमें कम इंक यूज होती है, कोई बार फोटो प्रिंट होती है तो उसमें ज्यादा इंक यूज होती है। तो दोस्तों जितनी भी मशीन इंक यूज करता है वो प्रिंट एक बार बाहर निकल जाए उसमें एक ऑप्शन आता है, वो प्रिंट मीडिया वहां पे बता देता है कि ये प्रिंट मीडिया में प्रिंटर ने कितनी इंक यूज की है। जितना भी इंक का रेट होता है वो ml में कन्वर्ट करके आप इसका जो प्रिंट का प्राइस है, हमें कितनी ये कॉपी कॉस्ट में लग जाती है, वो आप ये मशीन में जान सकते हो, ये मशीन बता देता है, और आपका मुनाफा जितना होता है वो प्लस करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों ये फीचर्स इसका बेहतरीन सा फीचर्स है। अब दोस्तों इसकी पेपर के बारे में बात करें तो इसमें रोल आ जाती है बड़ी बड़ी वाली, 18 इंच की रोल आपको मिल जाती है, 24 इंच की मिल जाती है, 36 इंच की मिल जाती है। अपने वर्क के हिसाब से आप इसमें रोल फिट कर सकते हो और एक ही रोल का ऑप्शन आता है। आपको कोई बार 18 इंच से 24 इंच चेंज करना होता है तो इसमें रोल चेंज करना होता है। और दोस्तों आप जो पेपर फीड के बारे में बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल पेपर फीड भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप रोल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, कोई बार कॉपी आपके पास कागज है A3 साइज का है, A0 साइज का है, A2 साइज का है, वो यहाँ मैनुअल फीड में ऊपर वहां भी डाल के आप प्रिंट निकाल सकते हो। अब दोस्तों इस मशीन की बेहतरीन बात करें तो यहाँ पे जो स्कैनर होता है और जो प्रिंटर होता है ये दोनों में एक बेहतरीन सी आपको LED मिल जाती है, और दोस्तों वो भी टच वाली मिल जाती है, वो वहां पे बहुत सारा काम अपना आसान कर देने वाली होती है, और कई सारे फीचर्स A0 के A1 के फोटो प्रिंट होती है, एडेसिव होती है, कोई भी मीडिया है वहाँ उसके डिफरेंट फीचर्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों ये बात इसकी बेहतरीन है। अब दोस्तों ये मशीन की स्पीड के बारे में बात करें तो हम A0 साइज की स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो ये मशीन में A0 कॉपी आपने प्रिंट की है तो ये A0 प्रिंट में आपने फास्ट मोड पे रखा है तो ये 45 से 50 सेकंड में ही A0 प्रिंट निकाल के दे देता है। अगर आपने स्टैंडर्ड मोड पे रखा है तो ये 1.30 मिनट या 1.25 मिनट में आपकी प्रिंट निकल जाती है। दोस्तों ये इसका फीचर्स बेहतरीन सा फीचर्स है। अब दोस्तों काफी जानकारी इस मशीन के बारे में आपको मिल चुकी होगी, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और दोस्तों ये मशीन आपको कैसा लगा है वो हमें कमेंट करके बता देना। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई अपडेट हम आपके लिए लाते रहे और दोस्तों आप प्रिंटिंग से रिलेटेड सबसे आगे रहे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर दीजिए, क्योंकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कहीं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।